अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां दीपावली त्योहार के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय रेडियो शाखा के एसएसपी अमित सिंह जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखने वाली स्क्रीन देखी तो पाया कि कई सीसीटीवी कैमरे खराब होकर बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, थानों में चलने वाली डायल 100 भी उन्हें खराब स्थिति में खड़ी मिली। लिहाजा एसएसपी अमित सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द खराब कैमरों को ठीक करवाया जाए, साथ ही एफआरबी वाहन भी ठीक हो। एसएसपी अमित सिंह ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे पर पुलिसकर्मी नजर रखेंगे और हर गतिविधियों पर नजर भी आएंगे। हालांकि कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब मिले हैं, जिन्हें जल्दी ठीक करवाया जाएगा। अमित सिंह ने कहा कि आने वाले समय में रेडियो शाखा और भी हाईटेक होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश का हर थाना सीसीटीवी कैमरे से लैस होकर हाईटेक हो रहा है। इसके साथ आगामी कुछ साल में 2000 एफआरवी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेंगी। एसएसपी रेडियो अमित शाह ने थाना ओमती और पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि अभी तक शहरी मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर आगामी दिनों में तहसील स्तर पर भी थानों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि अपराधों को साबित करने और रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज 60 दिनों तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। समय अनुसार जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी कैमरे के स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। एसएसपी अमित सिंह ने कैमरों की गुणवत्ता एवं रख रखाव के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके साथ ही अग्निशमन यंत्रों की भी जांच की। एसएसपी अमित सिंह के जबलपुर दौरे के दौरान एसपी रेडियो जितेंद्र पटेल, डीएसपी रेडियो शरद पाठक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कि पूरा जो हमारा थाना है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उनके तहत सीसीटीवी फुटेज की जद में आए। इसके साथ ही साथ डायल 100 का जो हमारा फेज 2 है, उसमें हम कई नई तकनीकी जो आयाम है वो जोड़ रहे हैं।